तेरा हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास समुंदर आएगा। तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आप सितारे हैं, इन सितारों को चमकाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद इन सितारों के वजह से किसी का भविष्य बन सकता है। तो आपके घर के माता पिता कभी रोकते नहीं है? नहीं। देखिए, पॉजिटिव होने का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरे को ही देखकर लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप क्लिपियों में देख सकते हैं, यहाँ पर आर्मी के जो यहाँ पर बच्चे हैं, यानी तैयारी करने के लिए, यानी प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और लगभग ये सिलसिला 1 से 2 महीने से 4 महीने लगातार कंटिन्यू है। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मऊगंज की जो थाना प्रभारी हैं मैडम, तो उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। मैडम भी यहाँ पर इन लोगों के प्रिपरेशन और कंपटीशन में यहाँ पर आई, और देखने के बाद ये बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, जैसा कि अभी आपने संबोधन किया, बच्चों की उज्जवल यानी भविष्य की आपने कामना भी की है, लेकिन जो बच्चों में एक हमेशा लगातार अपना जो आपने स्टेमिना की बात की, कभी कभी बच्चे निगेटिव भी हो जाते हैं, तो पॉजिटिविटी कैसे ये क्रिएट कर पाएंगे? ठीक है, बच्चे लोग पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव होने का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरे को ही देखकर लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपना इंस्पिरेशन आप किसी को भी मांग सकते हैं। आपका इंस्पिरेशन एक पुलिस वाला हो सकता है, एक आर्मी वाला हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। योजना ही अभी आपने चर्चा की अग्निवीर को लेकर के, जी, तो अग्निवीर को लेकर के किस तरह से हम पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं या फिर नेगेटिव तरीका ही हम मान सकते हैं? नहीं, देखिए हर पहलू के पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं, नेगेटिव पक्ष भी होते हैं, लेकिन आप हर चीज को पॉजिटिवली लेके चले, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से पॉजिटिव ले सकते हैं। देखिए, अग्निवीर एक टाइम लिमिट के अंदर है कि आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन किसी भी एक फील्ड में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ वहाँ पे खत्म हो गई। ये आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपको इसमें आपने वो सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपका ये पहला स्टेप है, इसमें आप सफल होते हैं, तो आप लगातार लगातार प्रयास करते करते इससे भी और अच्छे अच्छे फील्ड में जा सकते हैं, और उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेहनत करने से सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं मैडम, आप जैसे कि जो बच्चों के मन में है डर कि हम 4 साल के अग्निवीर में जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस पर कुछ है आपके मन? इसके बाद में देखिए, 4 साल के लिए तो आपकी भर्ती है, इसका मतलब ये 4 साल के लिए जो भर्ती होगी, इसके बाद में ये नहीं है कि आपका भविष्य रुक जाएगा। आपके पास में कई है, सरकार की कई योजनाएं आएंगी, और कई मतलब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये लोग योजना बनाएंगे कि बच्चों का भविष्य आगे खराब ना हो ज्वाइनिंग के लिए। वैसे भी पुलिस और आर्मी भर्ती के लिए आपको पता होगा कि जो भी इसमें ज्वाइन कर लेता है, तो उसको आगे किसी भी फील्ड में ज्वाइन करना रहता है, तो उसके कुछ अलग से बेनिफिट मिलते ही है। इसके अलावा जैसे ये 4 साल के अंदर आप अपने जॉब के साथ में कई और ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि ये 4 साल खत्म होते ही हमारा अगला जो टारगेट है हम उसको प्राप्त कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक, थैंक यू। तो देखिए साथियों, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है किसी तरह से, ये मैं यहाँ पर एक ऊर्जा का संचार देख रहा था, जो कि यहाँ पर जैसा कि बताया गया राजकुमार जायसवाल के द्वारा, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में पूरा बिंध बदलता हुआ, और बिंध बदलते हुए तस्वीर को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो बिंध की जो तस्वीर है, यहाँ पर जो ये सितारे देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये 3 सितारे ऐसे हैं कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक नया अपना नाम और नए नाम के साथ में बच्चों का नाम रोशन करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर सर भी हैं, अभी कुछ देर पहले मैं बात भी किया, सर सोनाम क्या है आपका? दीपक वर्मा नाम है। तो सर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ये भी चर्चाएं हुई कि आर्मी के तैयारियों के लिए, यानी डिफेंस के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप उसकी तैयारी करवाते हैं, तो किस नाम से आपकी एकेडमी है? मेरी एकेडमी बाहुबली डिफेंस एकेडमी के नाम से है। मेरी संस्था सीधी में चलती है, छत्रसाल स्टेडियम में तैयारी कराता हूँ, और संजय गांधी गर्ल्स कॉलेज के सामने अपनी कोचिंग क्लासेस है। तो देखिए, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ ये जो सितारे हैं, इन सितारों को चमकाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद इन सितारों के वजह से किसी का भविष्य बन सकता है, और किसी के घर में एक दीपक का जो चिराग है वो तेजी के साथ जल सकता है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय पांडे है, और मैं चाणक्य अकेडमी मऊगंज का डायरेक्टर हूँ,
और सर ने मुझे इनवाइट किया था कि आइए सर, तो मैं इनके लिए। तो सर एकेडमी में किस किस तरह की तैयारी आप करवाते हैं? मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, MPSI हो गया, पुलिस हो गया और अग्निवीरों के लिए सारी की भर्ती होती है सर। चलिए सर, सुन, नाम आपका क्या है? मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है और मैं आर्मी फिजिकल एकेडमी से हूँ, उसका संचालक हूँ आर्मी फिजिकल एकेडमी से। और तो किस किस तरह की आप तैयारी यहाँ पर करवाते हैं? मैं फिजिकल पूरा डिफेंस की तैयारी कराता हूँ यहाँ, जो भी फिजिकल हो बच्चे, जैसे आर्मी की हो गई, पुलिस की हो गई, SSC की हो गई, BSF की हो गई, CRP की हो गई, जितने भी फिजिकली डिफरेंस हैं तैयारियां हैं, मैं सारी तैयारी यहां कराता हूं बच्चों। तो चलिए ज़्यादा समय भी ना लूँगा, यहां पर सबसे बड़ी जो रोचक बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर लड़कियों को अपने घर से यानी जो पर्दा होता है पर्दे के बाहर निकालने का किसी भी अभिभावक में इतना जल्दी हिम्मत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो माहौल होता है यहां पर देख सकते हैं बच्चियां भी हैं और इन बच्चों के साथ में। सबसे पहले एक छोटा सा मैं कार्ड पूछूंगा, बहन क्या नाम है आपका? सीता सोंधिया। तो कहाँ से आप आती हैं यहाँ पर? सर मैं मऊगंज से आती हूँ। तैयारी करने के लिए आती हैं? पुलिस की। तो आपके घर के माता पिता कभी रोकते नहीं हैं? नहीं, कभी डर नहीं लगता यहाँ पर आने के लिए? मम्मी पहले बोली कि बाहर ऐसे नहीं जाया करते हैं, अब तुम लोग के लिए डर है। तो मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसा नहीं, बाहर की दुनिया भी आप देखिए कि बाहर कितनी हम लोग के लिए सावधानी है। हमारे भैया हैं, राजकुमार सर हैं, हम पहले यहाँ आए, मुझे बाकी दीदी को देख के मेरा इतना हौसला बढ़ा कि मैं खुद मन में ये सोची, मैं मम्मी को ला के यहाँ पर दिखाई, सर मेरे देखे कि मम्मी आई, मम्मी सर से बात की, सर उन्हें समझाएं कि ऐसा नहीं, हमारी बहुत सारी बच्ची आती हैं, हमारी बहनें हैं। बहन आपको यहाँ पर आने के लिए डर नहीं लगता? नहीं, मैं कहाँ सपोर्ट ही मिलता है, हौसला कहाँ से आता है? नहीं, मैं यहाँ सर से हौसला मिला है हमें। तो क्या सर 24 घंटे हौसला देते हैं? नहीं देते हैं, मतलब हम यहाँ आते हैं तो पापा लोग भी बोले कि हो गया जाओ तुम इतनी दूर। यही मऊगंज के ही? नहीं जी, मैं जब मुहार चंदे से हूँ, 10 किलोमीटर यहाँ से। मऊगंज ग्राउंड में ही आप आती हैं? हाँ। सर यहाँ पर ऐसे कोई हो जो चाड़क अकेडमी के भी बच्चे हों किसी भी तरह से? हाँ, आप हैं तो सर फिजिकल भी आप तैयारी करवाते हैं, केवल रिटर्न की कोई एग्जाम के लिए आप? वैसे तो मैं रिटर्न की ही तैयारी कराता हूँ, पर सर के सहयोग पूरा देता हूँ। अच्छा, जितना अच्छा। मुझसे हो पाता तो है। जो बच्चे सर के अधीनस्थ जो भी बच्चे यहाँ सीखने आते हैं, तो क्या उन बच्चों को रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी है तो आपके अधीनस्थ ही होती है उन लोग को? जी, मैं यहाँ कोई फीस उसका वो नहीं है, नहीं मैं फिजिकली था, मैं सिर्फ फिजिकली तैयारी के लिए। हम जो भी तो अपने ग्राउंड की व्यवस्थाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एडमिशन के तौर पे लेते हैं, और इसके बाद मैं गर्ल्स की फीस पूरी पूरी माफ़ रहती है, जिनके पास माता पिता नहीं है उनकी भी फीस माफ़ रहती है पूरी तरीके से, जो बच्चे गरीब हैं ज़्यादा उनकी भी फीस पूरी तरीके से माफ रहती है। देखिए कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग आप कई एकेडमियाँ देखे होंगे, चाहे आप यहाँ लगभग जो चर्चित नाम रहा है इंदौर फिजिकल एकेडमी हो गया, फोर्स फिजिकल एकेडमी हो गया, वहाँ पर जब भी अगर दया भाव अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं से आप अनेकों वीडियो में देखे होंगे, लगभग कई बच्चे यहाँ पर, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पर होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं उनका भी कहीं ना कहीं इंसल्ट भी करवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बड़ी बात होती है कि जो असक्षम है उनका कहीं ना कहीं अगर फीस माफ करना, ये भी देश हित के भाव में ही आता है। तो सर अगर बात हो जाती है यहाँ पर, सर यहाँ पर जिसे सीधे से आए हुए हैं, तो सर आपके यहाँ की जो एकेडमी का जो संचालन और का जो प्रक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं से उसमें भी आपको भी पैसों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती होगी, तो उससे क्या प्रोसेस रहता है पैसों के लेन देन का? मेरे यहाँ जो प्रोसेस है, तो हमारे यहाँ जैसे 5,000 रुपये फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग का ओनली 5,000 रुपये है, जैसे 5,000 रुपये में सभी फिजिकल ट्रेनिंग वहाँ कर सकते हैं। इसके बाद जो अपनी कोचिंग क्लासेस की जो फीसेस होती हैं उसमें अलग है, जैसे सालाना जो फीस है सालाना फीस अलग होती है, और इसके बाद जो गारंटेड फीस होती है उसकी फीस अलग होती है। जैसे अग्निवीर के लिए जो चल रहा है उसमें 1 रुपये निःशुल्क है, जिसमें से उनका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तभी उनसे पैसा लिया जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो उनकी फीस 1 रुपये नहीं ली जाएगी। जो कि बाहुबली नाम से एकेडमी चलती है सीधी में, किसी भी तरह से जब भी कोई समस्या आए तो इन लोग के सर के भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म में सर आप भी एक्टिव हैं कहीं किसी? सर अभी नहीं एक्टिव हैं, जल्द एक्टिव हो जाएंगे हम। और सर आप? बाहुबली डिफेंस एकेडमी। अच्छा, बाहुबली डिफेंस एकेडमी। सर आप भी सोशल मीडिया में कहीं एक्टिव हैं? नहीं अभी तो ज़्यादा तो नहीं है, यूट्यूब अपना आईडी जो कोई संपर्क कर जी जी अपना यूट्यूब आईडी चल रहा है आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज के नाम से। तो चलिए दोनों लोगों सर का आप वीडियो भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं से यूट्यूब में जो भी डाला होगा,
सर के भी नाम से यानी आर्मी फिजिकल अकेडमी महूगंज और सर के भी नाम जो यूट्यूब का नाम है बाहुबली फिजिकल अकेडमी। मैं कहना चाहूँगा कि सर को भी बधाई कि उन्होंने अपना समय निकाला और हम लोगों के लिए समय दिया। सर को बहुत बहुत बधाई, सबके सर के चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सर आगे बढ़ाएगा। मैं तो देखिए छोटा सा क्रिएटर हूँ, देखिए प्रयास बस कर रहा हूँ सर। आप बाकी दो शब्द आरी वाले बंदों के लिए बोलना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास समुंदर आएगा, तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, बंदे बंदे, फौजी बनोगे, फौजी बनोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।